जमाइन अम्माबाद मोहतरम सामिर कर अहल हरम ने खुतबा दिया उनमें से एक खुतबा बीबी फ़ातमा बिनतुलसैन सलाम ने दिया कि जिसके दो हिस्से हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं उसका यह तीसरा हिस्सा है बीबी नेशार फरमाया कि तब मन लकुम फ़नदुर आज़ाब हलाकत हो तुम्हारे लिए बस तुम अल्लाह की लानत और अल्लाह के आजाब के मुंतजिर रहो फकदुम कि खुदा का आजाब गोया तुम्हारी जानब आने वाला है व तवा तरत में न समा नकीमत फ़योस हैत कम बेमा कसब तुम और ख़ुदांद करीम की जानब से पे दर पे आज़ाब की बारिश नाजिल होने वाली है कि जो तुमको जड़ से उखाड़ फेंकेगी उस काम के सबब जो कि तुमने अंजाम दिया है व युदीक बुम बबा और ख़ुदांद करीम तुम में से बाज़ाब बास को छकाएगा तुम्तदून फ़िलदा बिलीम और फिर तुम खुदांद करीम के दर्दनाक अजाब में हमेशा हमेशा के लिए रहोगे बीमा म तुमोनातुल्ल अलमीन उस काम के सबब की जो तुमने हम पर म किया है और आगा हो जाओ कि अल्लाह की लानत हो जालमीन के ऊपर वून ए तो तत नकुम अः अय्य तो अनत निनकुम तुम पर वायो एल कोफ़ा क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा म का हाथ है कि जो तुमने हमारी तरफ़ बढ़ाया है वैय्यत नफ्सिन नजात अना ये कौन सी जान है यह कौन सा नफ्स है जो हमसे जंग करने के लिए निकला है अम्ब एयत रजलिन मशै तुम अलइना ये कौन से पैर हैं किन पैरों के साथ चल कर तुम हमारी तरफ आए हो जंग लड़ने के लिए तब तबगोना महारबतना कसत कुलूब तुम हमसे जंग करना चाहते हो यानी कल तुम हमसे जंग करना चाहते थे कसरतुलूब हुकुम के तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं तुम कसीकलब हो चुके हो तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे सामने वाला कौन शख्स है कि जिससे तुम जंग करना चाहते हो गलोजत अखबाद और तुम्हारे जिगर गलीज हो चुके हैं पुर हो चुके हैं तो भी अलाफ इजतकुम तुम्हारे दिलों पर माहौल लग चुकी है तुम्हारी अकलों पर माहौल लग चुकी है खुतम अला समी समत पर व बसर इकम तुम्हारी बसारत पर माहौल लग चुकी है यानी अब तुम्हें कुछ सजा ही नहीं देता हिदायत की बात तुम्हें समझ में नहीं आती है यहाँ तक कि इमाम मासूम भी अगर तुम्हें कोई खुतबा दे रहा है समझा रहा है तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही है इससे समझ में आता है कि खुदा बंद के आज़ाब में तुम मब्तला हो चुके हो कि तुम्हें हिदायत की बात समझ में नहीं आती तुम्हारी आँखों पर पटियाँ बन बन चुकी हैं तुम्हारे कानों पर तुम्हारे दिलों पर तुम्हारे अकलों पर मोहन लग चुकी सब सव लकुम शैतान शैतान ने तुम्हारे अमल को बहुत अच्छा बनाकर पेश किया व अमलकुम और तुम्हें मोहलत दी वज बसरकम बशावत वज अला बसरकुम गशावत और शैतान ने तुम्हारी तुम्हारी आँखों पर पर्देप डाल दिए पान तुम ला तहतदूना बस तुम हिदायत नहीं पा सकते हो तब बन लकुम तुम्हारे लिए हलाकत हो या आहलल्कूफ़ा एहिल गुफ़ा तुम्हारे लिए हलाकत हो कम तरातिल रसोल्लाबल कम वदई कम इससे पहले भी किस कदर ओ ज़ोर है कि जो तुमने हमारे ख़ानदान पर रवा रखा है तुम गज़र तुम बे आख़ी ही अली अब्न अबी तालब फिर उसके बाद तुमने रसोल्ला के भाई अली अब्न अबी तालब से गद्दारी की उनसे बेवफाई की जद्दी व, व, व बे नबी व बनी इतरा तुम गज़र तुम बेखी ही अली इब्न अबी तालिब फिर उसके बाद तुमने रसूलुल्लाह के भाई अली इब्न अबी तालिब से गद्दारी की बेवफाई की जद्दी जो के मेरे जद थे व बनी ही इतरत नबीन व वब... व बनी ही इतरत नबी तो यबीन अलखियार और... रसूलुल्लाह की पाक व ताहिर इतरत पाक व ताहिर औलाद के साथ तुमने गद्दारी की वफ्ता ख़रा बेदाल का मुफ्त और फिर उसके बाद जुल्म सुल्म यह है कि तुमने एक तरफ़ तो जुल्म किया और जुल्म करने के बाद तुम में से कोई एक फ़ख्र और मुबात से ये कहने लगा क्या कहने लगा नहन वत्ल नलियन व बनी अलियन बसयूफन हिंदिया व रुमा हमने अली को कतल किया और अली के बेटे को कतल किया ऐसी तलवारों से जो कि हिंदी तलवारें थीं और नेज़ों से कत्ल किया व सबई नम सब यह तुर्कन और हमने अली की बेटियों को अली की औरतों को इस तरीक़े से कैदी बनाया कि जिस तरीके से अहल तुर्क को कैदी बनाया जाता है व न ताहना हम फय्य नेतााहन और हमने इन पर ताजियाने चलाए बस ये कैसे ताज़ियाने थे इस पर बी सलामुल्लाह सलाम्ह ने, ने शर फरमाया कि बेफ़ी का अय्यल्क़ल अलको वल वलका, वलका अलबो अ ये शेर कहने वाले ये बात कहने वाले अफ्तार करने वाले तेरे मुंह में खाक हो तेरे मुंह में संगरेज़े होंतखर तब कतल कौमिन व हमल्ता हम वबानुम तो ऐसी कौम को कत्ल करने के बाद इफ्तार कर रहा है कि जिस कौम को खुदांद करीम ने पाक व पाखज़ा किया उनको पाक व तािर करार दिया और उनसे हर किस्म की पलीदगी को दूर किया फ़म व कम अक आ अबूका वनम लकुल्न मकदमत यदा हसत तुमू ना वक़ुम अलामाम बस तुम गुस्से के घूट पियो और जिस तरीके से तुम्हारे बाप ने दुश्मनी की थी और दुश्मनी करने के बाद गुस्से के घूट पिए थे तुम भी उसी तरीके से हसद के और कीने के घूट पियो और हर शख़्स के लिए वही है कि जो वो अमल अंजाम देता है तुमने हमसे हसद किया तुम पर वाय हो तुमने उस चीज़ पर हसद किया कि जो फजीलत ख़ुदा करीम ने हमें अता की दी और बीबी ने फिर शेर फ़रमाया कि फमा दम बुना इन जरन बहु रोना कि हमारा क्या गुना है कि अगर हमारा जो फजीलत का समंदर है वो हमारे फ़जाइल से ठाटे मार रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है व बहर वसा जिन ला युवारी द आम सा जबकि जो तुम्हारा समंदर है तुम्हारा खश कशकोल फजीलतों से खाली है तुम फ़ीर हो तुम्हारे दामन में कोई फजीलत नहीं है तुम्हारे किरदार में कोई फजीलत नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है लाल फ़जल्हती मशा व मलम लहु नूरफमलुम नूर फिर खुदा फिर बीबी ने ख़ुदा करीम के इस कौल से इकतेबास किया कुरान मजीद की शायद से इकतेबास किया कि ये अल्लाह का फजल है अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है और जिसके लिए अल्लाह नूर करार ना दे बस उसके लिए कोई नूर नहीं है यहाँ तक बीवी का ख़ुतबा पहुँचा तो इतने में रावी कहता है कि फ़रतफ़त फ़रतफ़ातवाद बिलबा रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगें वक़ाल हसब की यह बिनत नबी या बिनतः तय्यबीन ए तय्यबीन की बेटी आपके लिए बस काफ़ी है यानी आप इससे ज़्यादा और गुफ्तू ना करें इससे ज़्यादा और मलामत ना करें फ़तत अत फ़त अतीलूब आना आपने हमारे जिगरों को हमारे दिलों को जला कर रख दिया वान दज तीन नाना और हमारी गर्दनों को उड़ा कर रख दिया वम वमती अजवा फाना और जो हमारे बदन हैं हमारे बदनों को जला कर रख दिया फ़क़त अलिया व अला अबी व जदसाम पस ये सुनकर बीवी फ़ातमा हुसैन हसैन सलाम खामोश हो गई और इसके बाद फिर बीबी ने कोई कलाम नहीं किया इस खुतबे में भी दीगर अफराद की तरह बीवी ने एक बार फिर अहल कोफ़ा वालों को इस बात की तरफ ताकी कराई है कि देखो ये कौन सा जुर्म है कि जो तुमसे सरजद हुआ है तुम ये ना समझो कि एक आम जुर्म था हुसैन इब्न अली उम्मत का एक आम शख्स था तुमने कत्ल कर दिया उसका माल लूट लिया उसकी औलाद को कैदी बना लिया जिस तरीके से पहले भी तुम करते हुए आए हो ज़माने जाहलीत में कहा कि ये आम खून नहीं है ये रसोल्ला का खून है यह सर जो नेज़े पर चढ़ा हुआ है गोया के रसोल्ला का सर है जो कि نزة پر چڑا ہوا ہے واخر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمين